मध्य प्रदेश के झाबुआ की तरफ रुख करेंगे, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। झाबुआ के काली देवी थाना इलाके में अहमदाबाद से इंदौर जा रहा एक बेकाबू टैंकर हादसे का शिकार हो गया। तस्वीर इस वक्त मौके की आपके सामने। इस टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। तेज रफ्तार टैंकर अचानक पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें आग लग गई। आग ने देखते देखते आसपास के चार घरों को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीण ने प्रशासन को हादसे की जानकारी दी। टैंकर में किस तरह से आग लगी हुई है, तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आग लगने की खबर मिलते ही गेल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए राजगढ़ और थांदला से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने वाले चारों मकानों को में रखा जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, आग की चपेट में आए तीन जानवर भी जलकर खाक हो गए। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी टैंकर चालक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसमान में उड़ता यह काला धुआं बताता है कि किस तरह से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। तेज रफ्तार टैंकर घर में घुसा, टैंकर में आग लग गई। दो घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। मकान जल गया और अनाज बल गया, पैसे थे जल गया और माल भी डरे जल गया पूरे। अब हमारा कपड़ा वगैरह कहीं नहीं मिला, अनाज वगैरह भी नहीं। हम कहीं खाएंगे और कहीं हम रहेंगे बारिश का दिन में। अचानक हमारे सामने ऐसी ये गाड़ी आई कि समझ ही नहीं पड़े, बस आगे लगी हुई आई। हादसा कैसे हुआ इसके संबंध में अब जांच की जाएगी। सर्वप्रथम सूचना मिलते ही हमारी प्राथमिकता इसकी आग बुझाना थी। अब आग कंट्रोल हो गई है, आग बुझ गई है। नुकसान तो सामने दिख रहा है, दो तीन चार जो मकान है उनके आगे के बरामदे ये सब जले हैं। जनहानि अभी तक कोई सूचना नहीं ना हुई है। हादसा कैसे हुआ इसके संबंध में अब जांच की जाएगी। सर्वप्रथम